लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। तुम दूर चलो, दूर खड़े हो, आशीष थोड़ा पीछे है। शिष्टाचार आता है कि नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? माने भारत में रहकर भगवा कब पर? मोन्टाज में ये वीडियो देखे आपने, पहला वीडियो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो कह रहे हैं कि लुलू मॉल के बहाने जो राजनीति कर रहे हैं, जो समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसा कोई भी ड्रामा या ऐसी कोई भी राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे देश का या प्रदेश का माहौल खराब हो। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये परमहंस बाबा हैं जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लुलू मॉल के पास पहुंचे और वहां किस तरीके से जो ये पुलिस अधिकारी खड़े हैं उनको हड़का भी रहे हैं। आप समझिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे नमाज पढ़ने का मामला हो, चाहे हनुमान चालीसा का मामला हो, इस तरीके के जितने भी शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ परमहंस आचार्य जो जल समाधि लेने के बहाने लुलू मॉल के बाहर फिर से ड्रामा कर रहे हैं, उसमें आप वीडियो में देख सकते हैं वो किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्या योगी जी इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे? क्या इनको जेल में डालेंगे या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही मुकदमा और बुलडोजर चलेगा? ये सवाल है। क्या योगी जी की बात में इतना दम नहीं है कि वो इस तरीके के जो शरारती तत्व हैं, फ्रिंज एलिमेंट जिनको ये बोलते हैं, उन पर लगाम लगाया जा सके? आप समझिए किस तरीके के हालात हैं। पहले खबर आई थी कि लुलू मॉल में वहाँ पर जो नमाज पढ़ी गई उसके बाद हंगामा हुआ, फिर बाद में खबर चली, अफवाह फैली कि वो लोग हिंदू थे, उन्होंने 18 सेकंड में नमाज पढ़ दी। उसके बाद दो लड़के जो हैं वहाँ पर मोबाइल लेकर हनुमान चालीसा पढ़ने पहुँच जाते हैं। तो आप समझिए जिस तरीके से जो इन्वेस्टर हैं या जो भारत में निवेश करते हैं उनको बिजनेस करने के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। अगर जहाँ पर सांप्रदायिकता बढ़ेगी, कम्युनल राइट्स होंगे या कम्युनल सिचुएशन बढ़ेगी, वहाँ पर कोई कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? ये तो आप लोग को याद होगा जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूसुफ अली जी के साथ इस मॉल का उद्घाटन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होने वाली थी। लेकिन इसके बाद अब इनका जो प्लान था, यूसुफ अली जिनका विदेशों में बड़ा बिजनेस है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, अब एक बात बताइए, वो जो इनका प्लान था आगरा में, बनारस में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में मॉल खोलने का, क्या वो वहाँ पर खोलेंगे अगर ऐसी यही सिचुएशन रही तो? तो ये सवाल है कि आखिर एक बिजनेसमैन के लिए ऐसा माहौल क्यों मुहैया नहीं किया जा रहा है कि कोई इन्वेस्टर आए यहाँ भारत में पैसा लगाए ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो। आपको याद होगा नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये भारत के वो बड़े बड़े टाइकून्स हैं जो भारत का कर्जा लेकर भाग चुके हैं, भारत से पैसा लेकर भाग चुके हैं। लेकिन यूसुफ अली जो एक मुसलमान है वो भारत में इन्वेस्ट करने आते हैं, उसके बावजूद भी उनको ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है कि उनके मॉल में जो काम करते हैं वो 80% जो है वो नॉन मुस्लिम है। आप समझिए कि एक जो है कारोबारी को ये स्टेटमेंट देना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है कि उसके यहाँ पर काम करने वाले 80% लोग जो है वो नॉन मुस्लिम हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से परमहंस जो लुलू मॉल के बाहर पहुँचे हैं किस तरीके से ये जल समाधि लेने का ड्रामा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस अधिकारी हैं उनको हड़का रहे हैं कि भगवा के समर्थन में नहीं आओगे, भगवा की बेइज्जती करोगे, भगवा की अपमान करोगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में किस तरीके के हालात हैं। क्या योगी जी इनको जेल में डालेंगे? क्या योगी जी इनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे? क्या योगी जी इन पर NSA लगाएंगे? क्या योगी जी इन पर UAPA लगाएंगे? नहीं लगाएंगे।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में किस तरीके के हालात है, और योगी जी ने जो जो फैसला लिया है, वाकई में जो उन्होंने बातें कही है कि इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, जो इस तरीके से हुड़दंग मचा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, क्या उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट करने से काम चलेगा, तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन परमहंस आचार्य जी जो पहुंचे हैं, उन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, वो देखने वाली बात होगी। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।